अब इसके बाद मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ वो आपको डाटा शीट को पढ़ना, बेसिकली डाटा शीट को कैसे पढ़ा जाते हैं फिलहाल पर्टिकुलर, क्योंकि देखो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ VREG-S2 फीडबैक क्या होता है, तो VREG-S2 फीडबैक एक सेंस की लाइन है जो CPU देती है। ये वीडियो है बेसिकली जियो के ICU के आइडेंटिफिकेशन, अगर आप बेसिक हैं और आप पढ़ना चाहते हैं नए तरीके से सीखना चाहते हैं तो ICU आइडेंटिफिकेशन में आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं, हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। हाँ भाई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने जियो के भाइयों के लिए कुछ सौगात लेके आया हूँ जियो के IC के लिए, और जैसे कि मैंने बताया कि हमने जियो की सारी सीरीज चालू की है। ये दोस्तों ये वीडियो अपग्रेड लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो माइक्रोस्कोप लेके डाटा जंपरिंग क्लॉकिंग ये सब समझना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो के लिए लिस्ट में जा सकते हैं। ये वीडियो है हमें बेसिकली जियो पे दिखाने के लिए, आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये वीडियो है इन फोनों के ICO की आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर फोनों के ICO की आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसको हमने यहाँ पर HD लेवल पे लेने की कोशिश की है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो वीडियो डेडिकेट है उन भाइयों के लिए जो काम शुरू कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं आज उनका पहला दिन है। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए सौगात बन सकता है, और ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो भी शुरुआत करते हैं वो अक्सर इन छोटे मोबाइलों से शुरुआत करते हैं। जियो बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत हाई लेवल पे है, DSO रखकर बड़ी 15-20 हज़ार के SMD के साथ काम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म हर एक के लिए, ये छोटे और बड़े सबके लिए है। तो बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे लिए फ्री कॉन्टेंट है, ये हम क्लास में भी नहीं एक्सप्लेन करते, हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। ये वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं है, वीडियो आप लोगों को डाटा और ज्ञान देने के लिए। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं, तीन बोर्ड मैंने लिए हैं अलग अलग, ठीक है, आप लोग उसका नाम और सब कुछ जानते होंगे। मैं डायरेक्ट बोर्ड पे आ जाता हूँ और ICO को एक्सप्लेन करता हूँ, और ये वीडियो मैं काफी शॉर्ट में रखूंगा और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इस पर नेटवर्क का भी एक सेक्शन पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि नेटवर्क के इसमें PFO के GR वोल्टेज सब मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पे WTR पे कहाँ पे कौन सी लाइन चेक करें। तो आप एटलीस्ट ये जो मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए, जो डायरेक्ट जंपर बना के या जो डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, जो बहुत इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं जाना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूट को बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अपने आपको 2-3 महीना एवरेज ही जैसे बोलते ना कि एवरेज ऑन एवरेज अपने आपको देखना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, फोन खोलना बंद करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे और उनके लिए भी हम अपना समय देंगे, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर हमें ज्वाइन करना, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मैंने लिया है, तो पहले फोटो को मैं जूम करूंगा यहाँ पर। सो देखिए, सो ये पहली फोटो मेरे पास आ गई है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कौन सी ऐसी क्या काम करती है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीज ढूंढने के लिए आप YouTube आते हो और YouTube पर सर्च करते हो, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। और बहुत इसमें बहुत कॉम्पोनेंट पे अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा, फिलहाल अभी सिर्फ ICO की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट ICO आपकी ये है आपका CPU, सो बेसिकली Qualcomm का ये जो MSN CPU लगा हुआ है। आप चाहिए तो इसकी भी डाटा सीट मैं आपको दूंगा, आप मुझसे इसकी डाटा सीट मांगे, 508905 ये आपका CPU लगा हुआ है, और जिसमें ये इसका IC वर्जन आप मिल सकते हैं OVV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर सिर्फ CPU से इसको चेंज करेंगे तो ये नहीं होगा IC, जैसे सपोज कुछ सेट में यही CPU के साथ IC वर्जन 3VV इस तरह से 2VV ये भी लगा होगा, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी जियो के फोन में ही हम CPU चेंज नहीं कर सकते, हमारा काम नहीं होगा। सो ये वर्जन है, तो इसको मैं बोलूंगा वर्जन, ठीक है, ये वर्जन होगा। अब बात करते हैं एक इंस्टेंस का EMCP लगा हुआ है, EMCP तो एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप प्रोग्राम, तो पैकेज, जैसे प्रोग्राम बोलते हैं ना जैसे EMMC को, ये पैकेज में है, ये पैकेज में है, मतलब इसके अंदर दो ICs आए, आपकी रोम है और आपकी रैम है, ठीक है, और इसमें लगा होता है BGA 221, तो ये BGA लगा होता है BGA 221, ठीक है।
यह आपकी स्टोरेज डाटा है, जिसको मैं और सरल शब्दों में कहूं यह आपकी स्टोरेज आईसी, स्टोरेज आईसी है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं और इसके अलावा कि कहां मैं कौन सी आईसी बता सकता हूं, तो यह आईसी इसकी मेन पावर मैनेजमेंट आईसी है पीएम, ठीक है। इसमें लगी है 8909 और इसका वर्जन भी जो है 002, ये इसका वर्जन है। अब मैंने इसकी डाटा सीट भी आपको दी थी, फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इतना नॉलेज हो जाए फिलहाल, ठीक है। तो इसकी डाटा सीट भी मैं इसको खोल के एक नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब और इसमें अगर हम बात करें, ये जो सेक्शन है इसके ऊपर नेटवर्क का सेक्शन आ जाता है, और यहाँ पर ये जो आईसी है, ये जो आप आईसी देख रहे हैं यहाँ पर, ये एनटी, ये आपकी वाईफाई आईसी है। सो वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ, ठीक है, ये तीनों आईसी वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ की आईसी है। सो ये जो लगा हुआ है ये एसडी कार्ड है, ठीक है, और ये जो लगा हुआ है एक सिम कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर। सो फिलहाल आपने इतना देखा, और अब इसको थोड़ा सा और खोलते हैं और दिखाते हैं कि नेटवर्क में आपको नीचे और क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सो देखिए, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये आपका नेटवर्क का सेक्शन है, ठीक है, ये नेटवर्क का, जहां से ये यहां से जुड़ के गया है। सो ये है एंटीना पैड, ये एंटीना पैड है, इसको बोलते हैं एंटीना सॉकेट, ये एंटीना सॉकेट है। ये जो दो आईसीयां लगी है यहां पर, तो ये लगी है एज अ पीएफओ, पावर फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर बोलते हैं इनको, और इसमें ये जो आईसी लगी है दोस्तों, इसको ट्रांसरिसीवर बोलते हैं। तो ये आपके साइड का आरएफ आईसी है, बेसिकली ये आपके साइड का WTR, जैसे नॉर्मल भाषा में यहाँ पे WTR लगा हुआ है 2965, ठीक है, जिसका वर्जन OVV। अब और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 2965 का कोई वर्जन नहीं है, अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे सिम कनेक्टर तो आपने देखा ही था, ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें ये आपकी VBAT की लाइन है, और ये आपका टेम्परेचर की लाइन है, बैक टेम्परेचर, आप अगर इसको सरल भाषा में समझें तो ये आपका BSI की लाइन है, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं बैट आईडी, बैट टेम्परेचर, बट बैट आईडी सेट में एक लूप किया गया है हाई वैल्यू रजिस्टर के साथ। ये जो आपकी बात करें, ये आपके CC है, ये जो आपकी बात करें, ये आपका 3.5 हेडफोन जैक है, ये आपकी माइक लगा हुआ है यहाँ पर, और ये एक आपका एनालॉग माइक है, दो पिन का क्रिस्टल होता है, डिजिटल होता है, एनालॉग माइक है, ये आपके एंटीना के पैड है, ठीक है। सो और ये जो आईसी लगी हुई है दोस्तों यहाँ पर छोटे से ब्रैकेट में, एक यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगा, ये सॉरी बक कॉइल लगा हुआ है, और ये जो आईसी लगी हुई है, जैसे इस कैपेसिटर पे आपको 1.8 और एक कैपेसिटर पे आपको 4 वोल्टेज। सो ये आपकी लगा है APT मॉड्यूलेटर, मतलब आपका PFO आईसी को वोल्टेज देने का आईसी, तो APT आईसी है ये आपकी। इस आईसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज पावर ट्रैकिंग, ठीक है। और ये देखिए, अब जैसे और अगर मैं डायरेक्ट तीनों पे आऊँ तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, फिर मैं टेस्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ जब ये खुला हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि ये आपका CPU, ये आपका EMCP। देखो दोस्तों, जब EMC लिखे तो समझो कि RAM इसके साथ नहीं है, और जब EMCP लिखे तो समझो कि इसके साथ में RAM भी लगी हुई है, ठीक है। अब ये आपका CPU, ये MMC, ये आपकी पावर, ये आपका PM, ये आपका नेटवर्क का WTR, ट्रांसरिसीवर जिसको RF बोलते हैं, ये दो आपके PFO, ठीक है, दिस इज योर PFO। ये छोटी IC बैंड IC होती है, बैंड जो हमारे को अलग अलग सिम कार्ड में यूज करते हैं हम जिसको। ये हमारा बैटरी कनेक्टर, ये हमारा हेडफोन, ये CC, और ये हमारा IC जो लगा है, ये हमारा वाईफाई मॉड्यूलेटर, जैसे AC में देखेंगे तो ये हमारा वाईफाई, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है अलग से एक IC, तो यहाँ पर लगा हुआ है ये जो IC लगा हुआ है, ये स्पीकर एम्पलीफायर IC है, जिसको स्मार्ट PA बुलाते हैं, स्पीकर IC, ठीक है। यहाँ पर एक क्रिस्टल इधर, यहाँ पर क्रिस्टल इधर, क्योंकि कॉलकॉम है तो यहाँ पर, और ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है ये 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है, और
इस और आईसी में अगर हम बात करें, यहाँ पर ये आपका सीपीयू, ये आपका एमएमसी, ये आपका पावर, ये और आपका वाईफाई, ठीक है, यहाँ पर रिंगल लगा होता है, और ये आपका नेटवर्क, ये पीएफओ, तो नॉर्मली वही आईसी, ये एबीडी मॉड्यूलेटर, ठीक है, यहाँ पर ये और एबीडी मॉड्यूलेटर ये लगा हुआ है, एपीटी, ये नेटवर्क कैसी है दोस्तों, अगर ये वो खराब हो जाएगी तो नेट आपके साइड में 4G नहीं बनाएगा, प्लस नो सर्विस भी आ सकता है, ठीक। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, छोटा सा था, नॉलेजेबल था, और आपको जियो की कुछ आईसीओ के बारे में बताया, बहुत बेसिक, और ये इतना बेसिक है कि ये मतलब हम क्लास में भी नहीं बताना चाहिए, हम तो यार आपको बहुत डीप लेवल और अभी के सेटों में आ रहे हैं, जो ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन सब के, वन प्लस के आईसीओ के बारे में बताने का इच्छुक रखते हैं कर, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इन सेटों पे काम कर रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जियो चल ही नहीं रहा, जियो बहुत चल रहा है और बहुत लोग देख रहे हैं जियो को, बहुत फाइन करना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि जियो की कुछ सोल्यूशन निकालें। तो दोस्तों मुझे बताओ जियो के पर्टिकुलर कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो देंगे। अभी मैं आपको इसके बाद जो वीडियो देने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास है, तो अगला वीडियो इंतजार करते रहना, क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ वो आपको डाटा शीट को पढ़ना, बेसिकली डाटा शीट को कैसे पढ़ा जाते हैं फिलहाल पर्टिकुलर, क्योंकि देखो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ VREG S2 फीडबैक क्या होता है, तो VREG S2 फीडबैक एक सेंस की लाइन है जो CPU देती है, बट बेसिकली ये लाइन अगर नहीं आएगी तो क्या होगा कि आपका बक वोल्टेज बनेगा नहीं। सो ये सारी चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूछेंगे सर बक क्या होता है, CPU से क्यों आता है, तो बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। सो इसलिए आप जितना सीख रहे हो, देखो जब हमने सोचा ही है कि हम YouTube से ही ज्ञान लेंगे, कहीं इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे, और अपनी दुकान का, अपना प्रोफेशनल कैरियर, अपने घर का खर्चा सब YouTube से ऐसे फ्री में वीडियो देख के ही निकालेंगे और थोड़ी बहुत भी जिंदगी गुजारेंगे, तो दोस्तों थोड़े में ही सीखो, क्योंकि आपके ना ज़्यादा डिटेलिंग में वीडियो आप पहली बार देखते नहीं हो, एक घंटा डेढ़ घंटा कुछ भी बनाए तो उसको वॉच नहीं करते हो। सो मुझे लगता है कि 5-6 मिनट सफिशियंट है आपके लिए, और अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, नहीं मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो फिर सेटल कंप्लेंट करना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इसके लिए तैयार रहिएगा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक परचेस नहीं की है तो ये बुक परचेस कर सकते हैं, ये आपकी एक टी शर्ट की कीमत के बराबर है, और इतना नॉलेज आपको इस बुक में मिलेगा, आप देख सकते हैं डाटा शीट, अगर इस बुक में मैंने बहुत सारी चीजें डाली हैं, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं डाटा सीट, हार्डवेयर सर्किट, पावर सीक्वेंस, मैंने यहाँ पर बहुत सारे पावर सीक्वेंस डाले हैं अलग अलग, कंपोनेंट टेस्टिंग बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पर डाली है, पीसीबी, जीआर वोल्टेज, आईसी का डाटा सीट, और ये बताया कि जीआर वोल्टेज हर सेक्शन में, भले वो कैमरा हो, भले वो आपके किसी भी तरीके से स्पीकर, रिंगर, ऑडियो के साथ जुड़ा हुआ हो, और या फिर आपके एलडीओ के हो, या आपके हर एक किसी भी सेक्शन से, या सेक्शन वाइज अगर हम जैसे काम करते हैं, माइक का हो, तो ये मैंने उस पर डालने की कोशिश की है, और इसके साथ आपको ये बुक यहाँ पे परचेस करनी पड़ेगी, और अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, परचेस करने के लिए बाय बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये जो वेबसाइट है दोस्तों ये एशिया टेलीकॉम है, आप यहाँ पर सिंपल, अगर आपको ये वेबसाइट पे जाना है तो सबसे पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ, आप यहाँ पे गूगल टाइप करेंगे, आप यहाँ पे एशिया टेलीकॉम लिखेंगे, एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट आपको आ जाएगी, और आप यहाँ पर इसको बाय नाउ में टिक करके इसको परचेस कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको नेस्ट कर सकते हैं, और नेस्ट करके अपना नाम और ये सब देके पेमेंट कर सकते हैं, ये बुक आपको विद इन 10 डे पे मिल जाएगी, और ये हम आपको इंडियन डाक पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?